हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल्स या पा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बात करते हैं टीवी सीरियल इमली के अपकमिंग एपिसोड की। तो दिखाया जाएगा कि रघु यहाँ पर सूर्या को शूट करने वाला होता है और वो कहता है कि तू नहीं बताएगा कि आखिर मेरा डायमंड कहाँ है। वो कहता है मैं 3 तक काउंट करूँगा और ये बुलेट तेरे अंदर घुस जाएगी और तू मर जाएगा। सूर्या तभी रघु के मुँह पर मारता है, उसे नीचे गिरा देता है। कॉन्स्टेबल त्रिपाठी रघु को अरेस्ट करता है। सूर्या इमली को हॉस्पिटल की ओर लेकर के भागता है। रिकॉल करता है कि रघु ने कैसे बताया था कि अगस्त्या मरा क्योंकि वो सूर्या की तरह दिखता था। तभी वो त्रिपाठी को कॉल करता है और कहता है कि तुम अगस्त्या के केस को दोबारा से ओपन करो। इमली सही थी, कोई तो है जो नव्या को उस एक्सीडेंट के दौरान अलग करना चाहता था। चौधरीज यहाँ पर हॉस्पिटल भागते हैं। सूर्या से पूछते हैं इमली की तबीयत कैसी है। सोनाली कहती है किसने इमली को गोली मारी। सूर्या कहता है रघु ने ये सब किया। सोनाली कहती है कि इमली ने मुझे बताया था और तुम्हें भी ऑलरेडी बताया था इन सब चीज़ के पीछे रघु है, लेकिन तुमने उसकी बात कभी नहीं सुनी और तुमने सिर्फ इमली की लाइफ बर्बाद करने पर ही फोकस किया। वो दिखाती है उसे इमली की कंडीशन और कहती है कि उसकी इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। डॉक्टर इन्फॉर्म करते हैं इमली की कंडीशन इम्प्रूव नहीं कर रही है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्लड लूज़ कर चुकी है। अगर उसे होश नहीं आया तो हो सकता है कि इमली की जान बचा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए। और ये सुनकर के अगस्त्या के यहाँ पर सूर्या के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अब देखना होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग, कि जब फाइनली सूर्या के सामने इमली का सच आ गया है तब क्या वो इमली के लिए अपने दिल में ख़ास जगह बनाने में कामयाब हो पाएगा। क्या लगता है आपको, क्या यहीं से शुरू हो जाएगी सूर्या और इमली की नई प्रेम कहानी? कमेंट ज़रूर कीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।